अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? हम अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद हम खाना पकाने लगे हैं क्योंकि रमज़ान शरीफ में सहरियाँ खा खा के, अफ्तारियाँ कर कर के भूख ही नहीं लगती थी। तो मैं आज कंटकी की जो रेस्टोरेंट है हमारा इधर रावलपिंडी में, उनकी एक रेसिपी है चिकन कढ़ाई की। तो मैंने ये 4-5 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और ये तकरीबन आधा किलो के करीब ये गोश्त है, और ये 5-6 प्याज है दरमियाने साइज़ के, अदरक और लहसुन भी है साथ काटा हुआ, सब्ज़ मिर्चें काटी हैं। और मैं शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में घर वाले कहीं गए हुए हैं तो मैंने कहा कि चलो मैं ही आज दोबारा ट्राई करता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों की ईद जो है बहुत अच्छी गुजरी होगी। हम भी अपने रिश्तेदारों के घर, भाई के, बहन के घर आगे पीछे जाते रहे हैं। तो ऑयल में मैंने चिकन डाल दिया है और इसको थोड़ा सा फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मैं अक्सर वहाँ पे जाता था तो देखता रहता था कि वो कैसे बनाते हैं। तो मैं खड़ा होके वहाँ से ये रेसिपी मैं नोट करता रहा हूँ। तो ये मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया, इसके बाद ये मैंने डाल दिया इसमें। गोश्त ने अपना रंग चेंज कर लिया था। अब इसका मसाला थोड़ा सा भुनेगा, उसके बाद मैं फिर प्याज, अदरक और लहसुन जो है वो डालूंगा मैं। ये रावलपिंडी में सदर में कंटकी वालों का एक रेस्टोरेंट है। ये मैं डालने लगा हूँ प्याज, अदरक, लहसुन। असल में मैं घर में अकेला हूँ, घर वाले गए हुए हैं घूमने फिरने, तो मैंने कहा चलो आज फिर ट्राई करके देखते हैं। एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक ही हाथ से मैं ये काम कर रहा हूँ, और डरता हूँ कि कहीं से हड्डियाँ जो है ये चूल्हे से नीचे ना जा पड़े। बहरहाल अल्लाह मालिक है। अभी प्याज जो है वो ज़रा बैठ जाए, तो उसके बाद फिर टमाटर, सब्ज़ मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाला है इसमें क्योंकि लग रहा था नीचे से। एक साइड से थोड़ा सा लग गया था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। सौ फीसद तो उस तरह का नहीं पका सकूंगा मैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है मेरी कोशिश है कि आपको रेसिपी जो है वो अच्छी मिले। गोश्त तकरीबन हमारा गल गया है, प्याज भी गल गए, तो अब मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च इसमें डाल दी है। तो थोड़ी देर तक ये टमाटर भी जो है वो गल जाएंगे और इनके छिलके जो है मैं बाद में उतार दूंगा।
बात वही पे आ जाती है कि एक हाथ से जो है सारे काम नहीं हो सकते, तो कैमरा भी पकड़ना और साथ पकाना। तो छिलके मैं उतारूंगा, लेकिन यह है कि फिर कैमरा बंद करना पड़ेगा मुझे। तो देखें जी, हमारी हंडिया तकरीबन तैयार है। थोड़ा सा मैंने और पानी डाला था इसमें गोश्त को सही तरीके से गालने के लिए। तो अब तकरीबन हमारी हंडिया जो है वो बस तैयार है। अभी थोड़ा सा तेल अगर ऊपर आ गया तो फिर हम उतार लेंगे। ले जी, हमारी हंडिया तैयार हो गई है और ये मैंने प्लेट में निकाली है। और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।